मेरा नाम डॉक्टर नूरुलैन शेख है, मैं रामपुरा सूरत में क्लिनिक है मेरा, वहाँ चलाती हूँ मैं। जो आज का प्रोग्राम जो है हमारा जो कुरैशी जमात है उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स जो 10th और 12th जिन्होंने अभी पास किया है उनको हम लोग प्राइजेस सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, उससे उनमें मोटिवेशन आता है कि हम लोग आगे पढ़े, बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को भी, कि गर्ल्स को भी आगे पढ़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं सब यहाँ बुरके के साथ आई है, और मेरा तो मैं मतलब अंदर मेरा नीयत ही ऐसी है कि सारी जितनी लड़कियाँ हैं वो लड़कों से भी आगे जाएँ। कितनी बच्चों ने आज के प्रोग्राम में भाग लिया है? 670, अबाउट 70। किस विस्तार में प्रोग्राम हुआ था? हाँ, लिम्बायत विस्तार में। आगे बच्चों के वाड़ियों को पेरेंट्स को क्या मैसेज देना? पेरेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि 10th और 12th इसके बाद स्टॉप नहीं है, बंद नहीं करना है, इसकी ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, इसको आगे कंटिन्यू करो। किसी भी फील्ड में, कोई भी एक फील्ड में अपने बच्चे को पढ़ाओ कि वो सब मिलकर एक साथ जुड़े और अपने समाज को, अपनी मुस्लिम फैकल्टी को भी आगे बढ़ाए। आज बढ़ेंगे तो 5 साल के बाद में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आज अगर बैठ जाएंगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। थैंक यू। प्रोफेसर शकील हाजी मुश्ताक, आज के जो प्रोग्राम क्या मकसद है? मकसद है कि हमारे बच्चे जो है एजुकेशन के अंदर आला से आला तालीम हासिल करें, ऊँची से ऊँची तालीम हासिल करें, IAS बने, IPS बने। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में भी हम उनको जो है गाइडेंस करते हैं, उसका करियर गाइडेंस के प्रोग्राम लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम हुआ ऐसे महाराष्ट्र में भी हर ज़िले के अंदर हम प्रोग्राम लेते हैं। आज के प्रोग्राम में कितने बच्चों ने भाग लिया? आज के प्रोग्राम में 80 बच्चे जो है उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके अंदर से 25 से 30 लड़कियाँ थी और बाकी जो है लड़के थे। इसके अंदर MBBS भी थे, इसके अंदर BE मैकेनिकल, BE जो है सिविल, इसके अंदर हाफिज़ कुरान भी थे, इसके अंदर जो है BA MS भी बच्चे थे, और इसके अंदर साइंस के अंदर 86-87 जो है मार्क्स लेने वाले बच्चे भी थे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनीब हाजी अब्दुल रशीद है, मैं सूरत ज़िला अहले खानदेश कुरैशी से खाटिक समाज प्रमुख हूँ। क्या कहना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के विषय में? ये प्रोग्राम के बारे में कि आज ये जो प्रोग्राम किए हमने कि लड़के, हमारी जो लड़कियाँ है एजुकेशन हासिल करती है, हम इनका हौसला बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को किए है, और हमारे जो प्रोग्राम करने वाले हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत कम समय में इतने बड़े प्रोग्राम को किया है। आगे कौन कौन सी कामगिरी की जाएगी आपकी संस्था? आगे इंशाल्लाह सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको हर एंगल से मदद की जाएंगी हमारी जमात की ओर से, और अहले खानदेश एजुकेशन फाउंडेशन और अहले खानदेश कुरैशी खाटिक समाज सूरत ज़िला शहर से, बल्कि पूरे गुजरात में हमारी ये संस्था चलती है, और पूरे गुजरात में अहले खानदेश कुरैशी खाटिक समाज गुजरात कमेटी भी है, और हम तहे दिल से इन बच्चों को पढ़ाएंगे और मदद करेंगे।